मी 11 के इस रोम को यूज करने के बाद मैं कह सकता हूँ कि ये अब तक का एक वन ऑफ द बेस्ट रोम है, जो कि आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है जो कि एक यूजर्स को नीड होता है अपने फ़ोन के अंदर मोड रोम डालने के बाद। और आज की इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि ये रोम परफॉर्म कैसा करता है, क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती है और कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर इम्प्रूव करनी चाहिए या फिर सब कुछ बाई डिफ़ॉल्ट ही आपको गुड टू गो देखने को मिलता है। वीडियो अच्छा लगता है तो यार लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट आपको रेगुलर मिलते रहे। कुछ प्रो लेवल के लोगों को तो भाई पता चल ही गया होगा कि ये कौन सा रोम है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे हाइपर आर्ट लिखा हुआ आपको मिल जाता है। ये वही है और ये काफ़ी टाइम पहले अपडेट प्रोवाइड किया गया था, लेकिन बहुत सारे लोगों का रिकमेंडेड था कि भाई ये रोम काफ़ी अच्छा, हम लोग स्टिल यूज कर रहे हैं, तो आप एक बार इसे चेक करो और रिव्यू प्रोवाइड करो। तो मैंने यहाँ पे चेक किया और मुझे रियली में पसंद आया। आज के डेट में भी ये काफ़ी अच्छे तरीके से परफॉर्म करता है। और एक इलीट रोम का भी अपडेट आया था कुछ दिन पहले जिसे मैंने चेक किया, बट वहाँ पर मुझे कई सारे इशूज़ देखने को मिले, इसकी वजह से मैंने उसका रिव्यू कैंसिल कर दिया। बग था कई सारा और परफॉर्मेंस भी अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसे कैंसिल किया और ये चेक करके मुझे पसंद आया तो वीडियो दे रहा हूँ। जहाँ पे आप देख पाओगे हमारे मेंटेनर का नेम हाइपर आर्ट है 2.0.5, जिसे 2.5 भी आप समझ सकते हो। बाकी यहाँ पे आपको इनका चैनल देखने को मिलता है जहाँ से आप डायरेक्टली ज्वाइन कर पाओगे। डिटेल एंड इन्फो की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है एंड्रॉइड 15.2.24.11.1 का सिक्योरिटी पैच आपको देखने को मिल जाता है। बाकी हम बैक यूर आते हैं तो आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे एडिशनल सेटिंग, जहाँ पे मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट की बात करें तो आपको मिल जाता है, तो आप इसे अपने नेटिव लैंग्वेज में यूज कर पाओगे, ये एक अच्छी बात है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको फ्लोटिंग विंडो और बाकी अदर कॉमन से ऑप्शन जो मिलते हैं वो तो आपको मिलते ही मिलते हैं, जो कि प्रॉपर काम करते हैं। और इस रोम को डालने के बाद ही आपको ऐसा फील नहीं हुआ कि आप कोई डिफरेंट टाइप का मोड या पोर्ट रोम डाल रहे हो, बिल्कुल ये जो अच्छा काम करता है फर्स्ट डे से ही, जबकि बहुत सारे रोम को सेटल होने में थोड़ा टाइम लगता है, बट इसके साथ वैसा फील नहीं हुआ। फर्स्ट डे मुझे लगा कि हाँ इस रोम में जरूर कुछ ना कुछ खास बात है। तो यहाँ पे वन डे अगर आप इसे यूज करते तो और इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। बैटरी के अंदर यहाँ पे आपको स्क्रीन ऑन टाइमिंग का फीचर्स तो दिया गया है, बट मुझे ये कुछ खास ज़्यादा पसंद नहीं आया, एक रेट में मुझे थोड़ी बहुत कमी जरूर लगी है। फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट आपका वर्किंग रहता है। साउंड के प्रोफाइल में यहाँ पे एडिशनल सेटिंग मिल जाते हैं वॉल्यूम पैनल वाले, जो कि आप ऑन कर सकते हो। अनदर यहाँ पे आपको डार्क मोड के सारे एप्लीकेशन लिस्ट मिल जाती है, यानी इंडिविजुअल ऐप आपके वर्किंग है। ऑटो ब्राइटनेस आपको यहाँ पे काम करता है, इसमें दिक्कत नहीं आती, ये चीज भी यहाँ पे सही है। बाकी स्मूथ ट्रांजिशन का ऑप्शन है, एडवांस टेक्सचर का है, एंटी फ्लिकर का आपको मिल जाता है, रिफ्रेश रेट भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, जो कि तीन ऑप्शन है 60, 90 और 120 के। अनदर बैक की ओर चलते हैं तो आपको मिलता है यहाँ पे होम स्क्रीन का लॉन्चर, जहाँ पे ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं किया गया है, काफ़ी तक सिंपल ही रखा गया है। यहाँ पे आप देखोगे सर्कल टू सर्च भी दिया गया है। अगर यहाँ पे हम बात करें स्टैंडर्ड की तो कुछ इस तरीके से ईवाई देखने को आपको मिलता है, रॉयन कॉल्यूम का नंबर नहीं है, जस्ट यहाँ पे आइकन दिए गए हैं। बाकी यहाँ पे ज़्यादा कुछ आपको देखने को नहीं मिलता लॉन्चर से रिलेटेड। अनदर यहाँ पे नोटिफिकेशन के अंदर आपको नोटिफिकेशन स्टाइल जो कि अप टू 7 तक दिया गया, जो कि नॉर्मली 3 या 5 रहता है। नॉच हाइट का ऑप्शन है, यहाँ पे डोंट शो वगैरह के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। लॉक स्क्रीन पे आपको ये नॉर्मल से टाइम आउट वगैरह के और पॉकेट मोड वगैरह देखने को मिलता है। पर्सनलाइज के अंदर यहाँ पे अगर डायनेमिक वॉलपेपर ऐड होता तो बेटर होता, बट मे बी जो नेक्स्ट टाइम आएगा उसमें शायद ऐड हो जाएगा, लेकिन अभी के टाइम पे इसमें नहीं मिलता। AOD की बात करें तो यहाँ पे अनलॉक किया गया है, तो आप इसे 10 सेकेंड वगैरह रखो, मैं तो यही रिकमेंडेड करूँगा। बाकी आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं लगे। और ये वॉलपेपर चाहिए तो आपको लिंक मिल जाएगा, यानी वॉलपेपर मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम के वॉलपेपर चैनल से, जहाँ से आप इसे निकाल सकते हो। अनदर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कुछ एक्स्ट्रा मोटिफिकेशन, जहाँ पे अप्लाई सेटिंग का यूज करते हो आप सारे सेटिंग में जो चेंज है वो डाल सकते हो, अगर ये शो नहीं करता तो। जैसे कि स्टेटस बार में आपको कलर नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिलता है, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हाइट का ऑप्शन मिल जाता है, HD वगैरह का, क्लॉक के अलग अलग फॉर्मेट है, और इसका प्रीव्यू यहाँ पे नजर आता है। ये चीज़ मुझे थोड़ी अच्छी लगी, जबकि बाकी में सिर्फ नंबर रहता है स्टाइल 1, 2, 3, 4, बट यहाँ पे इसका प्रीव्यू ऐड किया गया है, तो ये थोड़ा डिफरेंट यूनिक है, जिससे आपको डायरेक्ट पता चलेगा कि क्लॉक कैसा दिखने वाला है, तो अप्लाई के टाइम टेंशन नहीं रहेगा। यहाँ पे फॉर्मेट है क्लॉक वगैरह का, जो कि आप यहाँ पे अपने हिसाब से चेंज वगैरह कर सकते हो, और उसके फॉर्मेट स्टाइल यहाँ पे दिए गए हैं कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती है। बाकी यहाँ पे नोटिफिकेशन से रिलेटेड ऑप्शन मिल जाता है एक्सपेंड वगैरह करने का, जो कि आप बदल सकते हो। डिस्प्ले के अंदर आपको यहाँ पे मोनेट नेविगेशन बार, जो कि ये वाला है और ये काम कर रहा है। 120 FPS आप फोर्सफुली इनेबल कर सकते हो सभी के लिए। यहाँ पे डिसेबल फ्लैग सिक्योर का ऑप्शन है। कंट्रोल सेंटर में आप चाहो तो यहाँ पे एक्स्ट्रा है जो टाइल्स वगैरह ऑन कर सकते हो, जो कि यहाँ पे मैंने कर रखा है, तो आप अपने हिसाब से करो या फिर बंद कर सकते हो। और यहाँ पे वो वाईफाई का जो टाइल्स है उसे भी आप क्लोज कर पाओगे। रही बात यहाँ पे मिसलेनियस, तो यहाँ पे आपको एक्सटेंडेड पावर मेनू देखने को मिलता है। डोंट किल ऐप व्हेन स्वाइप अप रिसेंट का ऑप्शन आपको मिल जाता है। स्विच टू MIUI डिवाइस स्पेक्स वगैरह का आपको ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे डिवाइस का नेम बदल सकते हो और वाइब्रेट का ऑप्शन फिंगरप्रिंट जब आप सक्सेस करोगे तब। यहाँ पे ये चीज़ मैं कहूँगा रिकमेंडेड कि इसे ऑफ कर लेना,
क्योंकि यहाँ पे इससे कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं, वो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। लेकिन अभी इन सभी पे नज़र डालो कि ये सारे ऑप्शन मिलते हैं और ये वर्किंग है। ये अभी के टाइम पे डेड हो चुका है, क्योंकि जब ये रोम आया था, पब्लिश हुआ था, उस समय सिक्योरिटी पैचेस कुछ अलग काम कर रहे थे सेफ्टी नेट पास के। लेकिन अभी के टाइम पे वो अपडेट हो चुका है और नया आ गया है, क्योंकि एवरी टाइम गूगल ब्लॉक करते रहता है। तो डिफॉल्ट के टाइम पे ये फिक्स था, बट अभी के टाइम पे आप इसे यूज करोगे और ये आपका ऑन रहेगा ना, तो आपका यहाँ पे जो सेफ्टी नेट है वो आपको फेल शो करेगा कुछ इस तरीके से। लेकिन ये जब फेल शो करता है ना, उस समय आपका जो डिवाइस है ये बूट लोडर लॉक्ड दिखाता है, जिसकी वजह से कुछ ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जो कि लॉक में ही वर्किंग रहते हैं, अनलॉक पे काम नहीं करते, वो काम करते हैं। तो यहाँ पे आपको ये फेल देखने को मिलेगा, जो कि भाई अच्छी बात नहीं है, अभी के टाइम पे गूगल ने ब्लॉक कर दिया इसकी वजह से फेल है। लेकिन यहाँ पे आपको जो ये लॉक दिखाई देता है तो एक अच्छी बात है, बट जैसे यहाँ पे इसे आप ऑफ कर देते हो, उसके बाद आपका जो बेसिक है वो पास हो जाता है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो बेसिक पास हो गया है। लेकिन यहाँ पे आपका जो बूट लोडर लॉक दिखा रहा था वो अब अनलॉक दिखा रहा है, तो इसे आपको मैनुअली फिक्स करना पड़ेगा। पहले आपको अपने फ़ोन को रूट करना पड़ेगा, उसका कुछ मॉड्यूल वगैरह डालना पड़ेगा, जिसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो दे रखा है, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, जिसे चेकआउट करके आप जो अपने फ़ोन को फिर से फुल्ली सर्टिफाइड कर सकते हो, आप पास कर सकते हो इन्हें। और साथ साथ ये जो बूट लोडर जो लॉक का प्रूफ है ये भी आपका है, जो साथ में ऐड हो जाएगा, इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये छोटा सा आपको काम करना है अगर आपको इसके नीड है तो, अदरवाइज जस्ट इग्नोर मार के यूज कर सकते हो। ये चीज अभी के टाइम पे ब्रेक हो गई है ओल्ड रोम होने की वजह से, बट आप फिक्स कर पाओगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जैसे कि मैं यहाँ पे अगर इसे ऑन कर देता हूँ, उसके बाद आप देख लेना क्या आता है। यहाँ पे हिडन सेटिंग में वही नॉर्मल से सेटिंग्स वगैरह आपको मिल जाते हैं, जो कि आप कर सकते हो। बाकी यहाँ पे ज़्यादा कुछ मॉडिफिकेशन नहीं दिया गया, लेकिन हाँ, स्मूथनेस यहाँ पे रियली में काफ़ी सही, स्प्रिंगी टाइप का है जैसा कि चाइना में रहता है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे अच्छा लगा है। कंट्रोल सेंटर वगैरह भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है सही, कि अच्छे से काम करता है, जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आती, आप अपने हिसाब से इसे जो भी मॉडिफाइड करना चाहते हो कर सकते हो, और कोई भी लैग वगैरह देखने को नहीं मिला, जबकि मोस्टली रोम के अंदर लैग आता है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यानी अभी के टाइम पे सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देने वाला, स्मूथनेस प्रोवाइड करने वाला और सारे एक्स्ट्रा फीचर्स का बेनिफिट देने वाला इकलौता यही रोम है, जो कि अभी आपको पसंद आने वाला है। बट आपके नज़र में कोई और रोम है ऐसा जो कि सब कुछ दे रहा है, तो आप बताना मुझे टेलीग्राम पे, डीएम करना उसके पोस्ट लिंक वगैरह, मैं उसे ट्राई करूंगा, टेस्ट करूंगा और वीडियो लेके आने की कोशिश करूंगा कि अभी के टाइम पे वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। क्योंकि जब आया था जब तो भाई वन ऑफ द बेस्ट था, बस उस समय मेरे पास डिवाइस नहीं था, अभी आया तो अभी मैंने चेक किया, सब कुछ अच्छा है, बस सिवाय सेफ्टी नेट के, जो कि दिक्कत कर रहा है अभी के टाइम पे, जो कि आप उसे फिक्स भी कर सकते हो। कैमरे की बात करें तो हमारा कैमरा प्रॉपर काम करता है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आती, कैमरे से रिलेटेड मैंने सारी चीज़ें चेक कर रखी है, तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आता। अब रही बात यहाँ पे कि भाई परफॉर्मेंस क्या निकल के आता है टेस्ट के बाद, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। और देखो वॉल्यूम पैनल जो कि फर्स्ट टाइम ट्राई करते हैं तो हल्का सा लैग दिखाई देता है, बट यहाँ पे सुपर स्मूथ फील कराता है। यानी इस रोम को डालने के बाद लगेगा कि हाँ भाई आप 870 वाला फ़ोन अभी के टाइम पे यूज कर रहे हो, क्योंकि कुछ कुछ रोम इस तरीके से बिहेव करते हैं ना इस फोन के अंदर, लगता है यार कोई 10-15 हज़ार का फोन मैं यूज कर रहा हूँ, वैसा फील करने लग जाता है, बट इस रोम के साथ ये फील नहीं आता। यहाँ पे सेफ्टी वगैरह तो दिखा दिया, L1 का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा, HDR 10+ का भी आपको सपोर्ट देखने को मिल जाता है। ये है हमारा अनटूटल स्कोर जो कि फर्स्ट डे का ही है, काफ़ी अच्छा देखने को मिला। सेकेंड डे भी मैंने इसे चेक किया था, जो कि ये रहा, जो कि आप देख सकते हो इंप्रूवमेंट आ जाता है काफ़ी अच्छा खासा, और ये मुझे पसंद आया। और टेम्परेचर भी अंदर कंट्रोल रहता है, जो कि अच्छी बात है। अनदर यहाँ पे गीकबेंच की बात करें तो ये फर्स्ट डे का है, काफ़ी सही है। सेकंड डे जब मैं इसे चेक करता हूँ इसमें भी हल्का सा इंप्रूवमेंट आता है, और ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, कोई भी मैंने बूस्टिंग वगैरह नहीं किया है, नॉर्मल टेस्टिंग है। ओके, बैटरी ड्रॉप की बात करते हैं यहाँ पे, तो आप देखो कि 65 के बाद जब मॉर्निंग में मैं चेक करता हूँ तो आता है 63, यहाँ पे ओनली 2% का बैटरी ड्रॉप देखने को मिला है, जो कि 8 hours 56 यानी 9 hours का कह सकते हैं कि स्टैंड बाई टाइमिंग रहा है, तो स्टैंड बाई भी काफ़ी अच्छा खासा है, और बैकअप में भी आपको दिक्कत नहीं आने वाला है, ऐसे लोग इसे लॉन्ग टाइम से यूज नहीं कर रहे हैं। और ये हमारा नॉर्मल टेस्टिंग, ना ही मैंने गेम ट्रो डाला, ना ही कुछ किया, नॉर्मल टेस्टिंग किया है, जो कि 3,30,000 मैक्स है, और मिनिमम यहाँ पे 2,90,000 और 90 का परसेंटेज, जो कि काफ़ी अच्छा है, तो इसमें भी आपको निराशा नहीं होने वाली। नदर गेमिंग की बात करें तो यहाँ पे गेम ट्रो का आप सेटिंग वगैरह देख सकते हो किस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि नॉर्मल सा बेसिक सा है। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको जो एक्सट्रीम और अल्ट्रा एक्सट्रीम का भी ऑप्शन अनलॉक मिलता है, तो यहाँ पे गेमिंग का भी बेनिफिट आप ले सकते हो। नदर यहाँ पे फोटो स्टोरेज आपको अनलॉक मिलेगा, तो दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पे। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने कैमरा वगैरह चेक किया, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, और हाँ, किसी भी स्क्रीन शॉट के ऊपर अपने डिवाइस का फ्रेम ऐड कर सकते हो, जो कि अच्छी बात है। और इसमें अगर हम बात करें गैलरी एडिटिंग वगैरह की, तो यहाँ पे सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं, और मैनुअली आप चाहो तो गैलरी को अपडेट करके
लेटेस्ट वाले गैलरी फीचर्स का भी बेनिफिट आप यहाँ पे ले पाओगे। अभी के टाइम पे मैं यही कहूँगा कि अभी तक जितने भी मैंने रोम चेक किए ना, उनमें से ये सबसे टॉप पे आता है, वन ऑफ द बेस्ट रोम बन जाता है हाइपर के अंदर, जो कि आपको फुल्ली सारी चीज़ें प्रोवाइड करके देता है। रही बात इसे इंस्टॉल कैसे करना है, तो ये सिंपल सा मेथड है, अपने रिकवरी को ओपन करना है, रोम को फ्लैश करना है, फॉर्मेट एंड रिबूट कर देना है। लेकिन हाँ, आपको अगर आप कोई भी एप्लीकेशन वगैरह इंस्टॉल करते हो और आपको दिक्कत आता है कि भाई इंस्टॉल नहीं और आप आधे पे से क्लोज हो जा रहा है, तो यहाँ पे आपको क्लीन करने की जरूरत है, जिसके लिए आपको कुछ कमांड यूज करना पड़ेगा सीएमडी के ऊपर। तो वो कमांड मैं आपको दिखा दूंगा वीडियो के एंड में क्या है, अगर वो रन कर लेते हो तो आपका जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगा। प्रॉब्लम आएगा तो ही कमांड का यूज करना है, अदरवाइज नॉर्मल फ्लैश करके यूज कर लेना है, क्योंकि पर्सनली मुझे देखने को मिला था इसलिए मैं ऐड कर दे रहा हूँ, ताकि आपको भी दिक्कत आए तो आप ठीक कर सकते हो। और ये सारे पैचेज है जिसका हेल्प से आप जो अपने डिवाइस को सर्टिफाइड कर पाओगे और बाकी चीज़ों का बेनिफिट ले पाओगे, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जो कि आप चेक कर लेना, फॉलो कर लेना और अप्लाई कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय। ये एक जस्ट इंस्टॉलेशन प्रोसेस है, तो बस आपको देखना, सुनना, समझना और फॉलो करना है, और जो डिस्प्ले पे टेक्स्ट वगैरह आ रहा है उसे भी आपको ध्यान देना है। यहाँ पे फोन ऑफ है, जस्ट पावर बटन एंड वॉल्यूम डाउन को लॉन्ग प्रेस करेंगे, जिससे आपका फोन है जो फास्टबूट लोगो शो कर देगा। पीसी से कनेक्ट करके हम कस्टम रिकवरी इंस्टॉल करेंगे हमारे डिवाइस का सपोर्टेड। इस टूल का वीडियो मैंने ऑलरेडी दे रखा है, आपने नहीं देखा है तो देख लेना कैसे यूज करना है, उससे रिलेटेड आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ये बिल्कुल ही सिंपल है और वन टाइम में रिकवरी को इंस्टॉल कर देता है। रिकवरी ऑन हो जाने के बाद अगर स्क्रीन पे पासवर्ड डालने के लिए आ रहा है, तो आपका जो भी लॉक स्क्रीन का पासवर्ड होगा उसे डाल लेना। उसके बाद आपको रोम को ब्राउज कर लेना है, एड करना है और स्वाइप कर देना है। किसी किसी रोम के अंदर इंस्टॉलेशन के टाइम में आपको यहाँ पे कुछ लिखा हुआ आ सकता है, वॉल्यूम अप प्रेस करना, वॉल्यूम डाउन प्रेस करना। तो जिस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ आएगा इंस्ट्रक्शन, उसी तरीके से आपको जो वॉल्यूम अप डाउन का यूज कर लेना है। अगर नहीं आता है तो सिंपल फ्लैश होने देना है। आफ्टर कंप्लीट फ्लैश आप सिंपल यहाँ पे वाइप पे जाके, फॉरमेट पे जाके यस टाइप करके फॉर्मेट करके रिबूट कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ ही मिनट में जब बूट एनिमेशन आ गया, बस अब थोड़ी देर में ऑन हो जाएगा, सेटअप करके हम यूज कर पाएंगे। आई होप कि आपको प्रोसेस समझ में आ गया है, क्या फॉलो करना है, कैसे करना है, और वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल है, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके जाना। और ये एक इंस्टॉलेशन गाइड है जो कि आपको अपने डिवाइस के लिए सेम टाइप का है जो फॉलो करना है। अगर आपका कोई भी डिवाइस में आपने रोम डाला है और वहाँ पे कोई भी ऐप्स इंस्टॉल नहीं हो रहा है या फिर प्ले स्टोर लॉगिन नहीं ले पा रहा है, तो उसे फिक्स करने का सिंपल सा तरीका है, बस आपको अपने फोन को जो फास्टफूड मोड में ऑन कर देना है, पावर बटन एंड वॉल्यूम डाउन को प्रेस करके, उसके बाद पीसी से कनेक्ट करना है, प्लेटफॉर्म टूल के अंदर सीएमडी ओपन करना है, प्ले स्टोर फिक्स करने के लिए यहाँ पे कमांड डालना है जो कि फास्टफूड इरेज FRP और इंटर पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका प्ले स्टोर का जो लॉगिन का प्रॉब्लम आ रहा था वो सॉल्व हो जाएगा। अनदर कमांड का यूज करना है जो कि फास्टफूड इरेज मेटा डेटा है और इंटर कर देना है। अदर लास्ट कमांड है फास्टफूड इरेज यूजर डेटा। ये कमांड इसलिए ताकि आपके फोन के अंदर कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं हो पा रहा है प्रॉपर, तो इसके बाद इंस्टॉल होने लग जाएगा। सिंपल आप कमांड डाल के अपने फोन को रिबूट कर सकते हो, या फिर आप पावर बटन का यूज करते हो अपने फोन को रिबूट करके ऑन करके सेटअप करके यूज कर पाओगे। तो ये एक्स्ट्रा स्टेप इसलिए है ताकि आपको दिक्कत आए तो आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओ। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।